नाज क्यों कर ना करें आप से निस्बत वाले। जिसको खत्म नबूवत की निस्बत पे नाज है जरा मुस्कुरा के कहे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से। गर्मी है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारा जज्बा गर्मी से कहीं ज्यादा है, तो इस हाँ मोहब्बत से जरा कहें सुभान अल्लाह। नाज क्यों कर न करें आप से निस्बत वाले। नाज क्यों कर न करें आप से निस्बत वाले। लोग कहते हैं हमें ख़त्म नबूवत वाले, लोग कहते हैं हमें ख़त्म नबूवत वाले। और जिनको है ख़त्म नबूवत की हिफाजत का जुनून, जिनको है ख़त्म नबूवत की हिफाजत का जुनून। कसम अल्लाह, कसम अल्लाह कि यही लोग हैं किस्मत वाले। कसम अल्लाह कि यही लोग हैं किस्मत वाले। कसम अल्लाह कि यही लोग हैं किस्मत वाले। और ये खुली बात है मिर्ज़ाई है गद्दार वतन। कह दे बेशक, जो मिर्ज़ाइयों को गद्दार मानता है पाकिस्तान का कहे बेशक। मेरी बात नहीं है, किसी मौलवी की बात नहीं, हमारे हजरत अक़दस मौलाना अल्लाह साया की बात नहीं, किसी की बात। अलामा इकबाल ने कहा कि कादियानी मुल्क के भी गद्दार हैं, दीन के भी गद्दार हैं। तो अब जरा मुस्कुरा के कहें बेशक, जोर लगा के कहें बेशक, और बुलंद आवाज़ से कहें बेशक। जो कादियानियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन मानता है, हाथ उठा के कहे बेशक। ये खुली बात है मिर्ज़ाई है गद्दार वतन। ये खुली बात है मिर्ज़ाई है गद्दार वतन। क्यों समझते नहीं ये बात हुकूमत वाले। क्यों समझते नहीं ये बात हुकूमत वाले। और तेरे दुश्मन से अमी लड़ता हुआ मर जाए। मेरे आका तेरे दुश्मन से अमी लड़ता हुआ मर जाए। ये है ख्वाहिश मेरी ऐता आज शफाअत वाले। ये है ख्वाहिश मेरी ऐता जे शफाअत वाले।